काफ़ी देर हम लोग ऑफ रहे और 7 to 8 months बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, तो एज एन ग्रुप हम लोग काम करेंगे। सारी लड़के एक्साइटेड हैं और होपफुल हैं कि जो हम लोग का स्किल और फिटनेस का कैंप लगने लगेगा उसको अच्छी तरीके से यूज करें और अपना जो रिदम हम लोगों ने जहाँ पर ख़त्म किया था उसको वहीं से कैरी करें। तो जितना टाइम जो हमें कैंप मिलना है उसको कवर करने के लिए हमें थोड़े से मैचेस रिक्वायर्ड है, हम लोग रिदम हासिल करें। तो डेफिनेटली प्लान है, हम लोग ये पहले भी जेन में थे और ये कोशिश करेंगे कि अपनी फिटनेस को एक अच्छा 50 ओवर्स के मुताबिक करें और हम लोग जितनी सीरीज मिलती जाएंगी लड़कियों को देखते रहेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल जो लड़कियाँ होंगी, प्लेयर्स होंगे, स्क्वाड होंगे, उससे कोशिश करेंगे 50 ओवर्स के लिए तैयार करें। आई रियली रियली एक्साइटेड टू गेट बैक और जितना शुक्र अदा करेंगे जो स्पोर्ट जिससे हम लव करते हैं हम वापस आ रहे हैं और न्यू कोच भी हैं तो सब कुछ नया है, सारे हम री ग्रुप 6-8 महीने बाद होंगे। तो बस कोशिश यही है कि जितना इन्जॉय कर सके क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब हम प्रोफेशनली खेलते तो हम काफ़ी ले लेते, तो इस गैप के बाद अंदाज़ा हुआ कि स्ट्रेस लेवल को साइड पर रखने और जो आपके पास टाइम है उसको हम इन्जॉय कर सकें और री ग्रुप हों और अपनी बेसिक्स पर काम कर सकें। जाहिर सी बात है आप जब इतने टाइम बाद आते हो तो आप अपने उस लेवल को मीट करने जाते हो, लेकिन अच्छा ही होगा अगर हम बेसिक से जाएं तो हम जल्दी अपने लेवल को मीट कर सकें। आई वांट टू बी मोर कंसिस्टेंट और चाहूँगी कि जितना स्पैन मेरा है उसमें पाकिस्तान को जितने मैचेस टीम के साथ मिलकर जितवा सकूँ उसको जिताऊँ और उसमें मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपनी फॉर्म को बेहतर कर सकूँ। और आई थिंक ये कैंप हमारे लिए बेस्ट है, पहले किसी टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले जब हमें कैंप मिला है तो वो काफ़ी उससे मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी। मैंने कोशिश की है कि टाइम मैनेज करूँ, सुबह अर्ली फजर के बाद कोशिश होती थी कि अपनी रनिंग के लिए चली जाती थी और जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होते थे वहाँ पर जाके अपने कार्डियो वर्क वो जो है वो मैंने अपना ट्रेनिंग का सेशन सुबह जो वो करती थी। ये ऐसा टाइम था कि इसमें हम अपनी फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे और आई थिंक अगर इस टाइम की पॉजिटिविटी देखें तो हर एक को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था अपनी बेसिक्स फिटनेस को स्ट्रॉन्ग करने को। तो आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड और मेरी कोशिश थी कि मैं जितना अपने आप को फिटनेस लेवल पर अच्छा कर सकूँ, क्योंकि जब हम ग्राउंड पर जाएँ अगर हमें स्किल लेवल पर थोड़ी बहुत परेशानी हो तो हम मेंटली इतने टफ हों कि हम उसको जल्दी कोप अप कर सकें और फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग रहें। लॉकडाउन था, आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे तो फैमिली टाइम ज़्यादा मिला, इन लॉज में ज़्यादा टाइम गुजरने को नहीं मिलता था, हस्बैंड के साथ टाइम नहीं मिलता था, तो सब कोशिश की कि ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ गुजारा जाए तो काफ़ी इन्जॉय किया। देन ऑफकोर्स एज प्रोफेशनल आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना था तो फिटनेस पर ज़्यादा काम किया और जब कहीं पर अगर प्रैक्टिस जहाँ मिली कोशिश किया उसको अवेल करूँ। 2-3 दिन की छुट्टियाँ आपको अच्छी लगती हैं लेकिन अगर 6-7 महीने का गैप आ जाए तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है और आपको एक ड्यूरेशन भी पता नहीं होता कि कब आपकी शुरू हो रही है, तो आपको फिर बहुत अलग अलग तरहों से आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, फिर आपको डिफरेंट हॉबीज़ अपनी अपनानी पड़ती हैं। तो जो हॉबीज़ मैंने स्कूल टाइम पे छोड़ दी थी वो उसको दोबारा मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की, बीट पेंटिंग और गाना तो थोड़ा बहुत मैं गाई लेती थी और बस, और फैमिली को ज़्यादा अपना टाइम दिया और कोशिश की कि अपनी फ़िटनेस को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करूँ ताकि जब हमारी क्रिकेट शुरू हो तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो।